स्टूडेंट्स ऑफ यूआर गोइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी डिटेल में डिस्कस किया था, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड द टॉपिक टुडे दैट आई एम गोइंग टू स्टडी इज वेक्टर्स। पहले मैं आपको वेक्टर्स को फंडामेंटल्स डिस्कस कर लूं, व्हाट वेक्टर इज एक्चुअली अबाउट, वेक्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं, तो पहले जब उनकी बात कर लेते हैं देन मूव ऑनवर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इन द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेशन, इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस एडिशन सबट्रैक्शन, देन नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल वेक्टर, देन पोजीशन वेक्टर, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फिगर एसोसिएटेड क्वेश्चंस। फिगर एसोसिएटेड क्वेश्चन में आपसे बस एग्जामिनर कह रहे हैं कि एक कंप्लीट फिगर बननी हो, कैन एग्जामिनर आस्क यू टू सॉल्व दैट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, तो वो हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, व्हाट वी मीन बाय वेक्टर, वेक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं। आपके पास क्वांटिटीज एक्चुअली दो सब क्वांटिटीज पर डिवाइड होती है, नंबर वन स्केलर क्वांटिटीज, नंबर टू वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज जो नॉर्मली फिजिक्स जो स्टूडेंट पढ़े होते हैं, जिनका ग्रुप कॉमर्स होता है, वो डिटेल से डिस्कस करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर्स क्या होती है। मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ इनके बिटवीन डिफरेंस, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जाए। स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर आल्सो हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, और साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे इस बात को समझाने के आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। पहले स्केलर क्वांटिटीज की, जैसे मैं स्टाइलस की बात कर रहा हूँ, स्टाइलस लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्टाइलस 8 सेंटीमीटर, तो मैग्नीट्यूड असल में किसी भी क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड नंबर होता है। तो ये क्वांटिटी मेरे पास लेंथ थी, तो इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो जो आपके पास मैग्नीट्यूड होगा वो सब 8 होगा। सेंटीमीटर आपके पास यूनिट है, क्योंकि विदाउट यूनिट क्वांटिटी समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि भाई ये स्टाइलस 8 है तो क्या 8 है, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 इंचेस है, 8 किलोमीटर्स है, व्हाटसोएवर, लेंथ के भी हमारे पास सब यूनिट है ना। तो डेफिनेटली जब तक मैं किसी क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसका यूनिट एसोसिएट ना करूं, आपको वो क्वांटिटी समझ नहीं आएगी। जैसे मैं सेलफोन की बात करूं, कि सेलफोन का मास 200 ग्राम है, तो 200 एक्चुअली रेफर होगा मैग्नीट्यूड से, और ग्राम रेफर करेगा यूनिट को। और वही वाली बात कि अगर मैं मैग्नीट्यूड और यूनिट किसी क्वांटिटी के साथ एसोसिएट ना करूं, तो वो क्वांटिटी इनकम्प्लीट आएगी। इन द सेम वे वी डिस्कस वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल मैं दूंगा कि आई एम सेइंग दैट आई हैव कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, इफ मैंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा, तो यू गाइस विल बी आस्किंग कि सर इन विच डायरेक्शन यू हैव कवर्ड दैट 10 मीटर डिस्टेंस, आइदर यू मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड, नॉर्थ की डायरेक्शन में गए, साउथ पे गए, लेफ्ट पे गए, ईस्ट साउथ वेस्ट, किस डायरेक्शन में आपने ट्रैवल करा। तो जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर करा, ये क्वांटिटी कंप्लीट नहीं होगी। तो ऑल द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर डायरेक्शन फॉर इट्स सबमिशन, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी में कैटेगराइज करते हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट हो, दीस क्वांटिटीज आर कैटेगराइज इन वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा कि कवर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे 10 आपको रेफर कर रहा होगा उस क्वांटिटी मैग्नीट्यूड को, मीटर रेफर कर रहा होगा यूनिट को, और टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इसकी डायरेक्शन को रेफर कर रहा होगा। ओके, लेट्स रिज्यूम। अब हमारे पास पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद टॉपिक नंबर 1। इन टॉपिक नंबर 1 यू हैव टू डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फॉर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप एक मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक मैट्रिसेस होता है 2 रोस और 1 कॉलम का, स्कोर 2:1 होता है, जो x और y जहां पे आप लिख रहे होते हैं। यहां पे x रिप्रेजेंट कर रहा होता है x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर को, y रिप्रेजेंट कर रहा होता है y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर को। मैं आपको इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि वेक्टर एक्चुअली होता क्या है। देखिए, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, जिस तरह मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया ना, नॉट ओनली अ लाइन सेगमेंट, दैट लाइन सेगमेंट इज विद अ एरो हेड। जो आपके पास इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी, मतलब मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ यहां से के यहां तक है, तो ये असल में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रेफर करेगी। जो एरो हेड की आपके पास डायरेक्शन है, जिस भी डायरेक्शन में लाइक एरो हेड अपवर्ड और डाउनवर्ड हो, तो वो आपके पास उसकी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और उसी चीज को हम इस कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से शो कर रहे होते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एक वेक्टर ये है लाइक दिस, एक वेक्टर आपके पास ये है, एक वेक्टर आपके पास ऐसे ड्रॉ हुआ है। मैं इन तीनों के 1 by 1 कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। 1 by 1
इन तीनों वेक्टर्स की कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, दैट्स योर वेक्टर 1, 2 एंड दैट्स योर वेक्टर 3। तो ये कोई भी वेक्टर आपके पास जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, अगर मैं आपको इस ग्रिड से समझा तो आप ये देखें कि ये वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दैट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर नंबर 1। इस वेक्टर ने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक x में कितने बॉक्सेस कवर करें, 2 बॉक्सेस, y में कितने बॉक्सेस कवर करें, 2 बॉक्सेस। तो अगर मैं वेक्टर नंबर 1 की कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो आई विल बी राइटिंग लाइक दिस 2 एंड 2 बिकॉज़ दिस वेक्टर हैज कवर्ड 2 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस एंड 2 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। इन द सेम वे अगर मैं वेक्टर 2 की कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो वेक्टर 2 हैव कवर्ड 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट अलोंग x एक्सिस वेयर एज 2 यूनिट अलोंग y एक्सिस। और अगर आप मूवमेंट देखना तो 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में एंड 1 यूनिट एंड 2 यूनिट ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में। तो वेक्टर 2 के अगर आप x और y कंपोनेंट की बात करें तो उसका x कंपोनेंट 3 होगा, y कंपोनेंट 2 होगा। मूविंग टुवर्ड वेक्टर नंबर 3, इफ वी टॉक अबाउट वेक्टर 3, तो वेक्टर नंबर 3 के हम x और y कंपोनेंट की बात करते हैं कि भाई वेक्टर नंबर 3 ने x से कितना कवर किया। Vector 3 has covered 1 unit, ये vector का starting point है, and that is the ending point, जहाँ पे आपके पास arrowhead होता है, vector का ending point होता है। तो it has covered 1 unit, 2 unit, 3 units along x-axis, and also 3 units along y-axis। लेकिन अगर आप एक बात note करें तो vector 3 x में negative 3 move कर रहा है, it's like 1 unit, 2 unit and 3 unit, और y में भी negative y direction में जा रहा है, तो इसके x और y component आप minus 3 और minus 3 लिख रहे होंगे। Moving towards few more questions. जैसे मैंने अब एक वेक्टर और ड्रॉ करा, मैं एक और ड्रॉ करूँ, like this. एक और वेक्टर मैं ड्रॉ करूँ, like this. Perfect. इन दो वेक्टर्स की बात करते हैं। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। वेक्टर नंबर 4 is this one. This is वेक्टर नंबर 5. तो अगर मैं वेक्टर 4 के x और y कंपोनेंट की बात करूँ, तो वेक्टर 4 have covered 1 unit, 2 unit, 3 units and 4 units along x, along y-axis. और अगर आप x-axis की बात करें तो ये x-axis में 2 unit cover कर रहा है, x में जा रहा है minus 2, y में जा रहा है positive 4. तो अगर आप बात करें तो x में तो आप minus 2 लिखेंगे, y में positive 4 लिखेंगे. Finally, vector 5 की बात करते हैं, तो vector 5 का starting point ये है, ending point ये वाला arrowhead है. तो for moving from starting to ending point, you have to move 1 unit along positive x and 4 unit along positive y. And negative 4 units along positive, along negative y, तो आप finally इसके x component को तो 1 लिख रहे होंगे और y component को minus 4 लिख रहे होंगे। तो आपने बस simply अगर vector को column vector form में represent करना है, तो column vector form representation कहती है कि आप vector के x component को लिखें और vector के y component को लिखें, और ये हम एक round bracket मतलब matrices form में लिखे होते हैं, और ये 2 by 1 order का matrix होता है, जहाँ से vector start हो रहा है वहां से पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहे तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बाय नेगेटिव एक्स मूव कर रहे तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा। इफ यू मूविंग इन लाइक अपवर्ड डायरेक्शन तो वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव, मूविंग डाउनवर्ड तो वाई कंपोनेंट इज नेगेटिव। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टॉपिक नंबर 2, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। देखिए एडिशन एंड सबट्रैक्शन की अगर बात करूं, आपको बेसिक कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो बात क्लियर हो गई कि हाउ डू वी डिस्कस कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली हम मैट्रिक्स को लिख कैसे रहे होंगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर की। तो वेक्टर्स कैन ओनली बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड जब आपके पास वो कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लाइक इस फॉर्म में गिवन होते हैं। फॉर से ये एक वेक्टर ए है और वेक्टर जिस भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट हो रहा होता है उसके ऊपर हम एक शॉर्ट सा एक एरोहेड बना रहे होते हैं और वो एरोहेड शो कर रहा होता है कि क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर ए 2 और 3 है और मैं एक सेकंड वेक्टर की बात कर रहा हूँ वेक्टर बी जो आपके पास 5 और माइनस का 3 है। फर्स्ट अभी आई एम आस्किंग यू टू फाइंड ए प्लस बी, इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को अगर आप ऐड करने जा रहे हैं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हुए आप बस कुछ बातों का ख्याल रखेंगे। फर्स्ट थिंग कि वेक्टर जब भी ऐड होते हैं तो x कंपोनेंट ऐड होता है, y कंपोनेंट में y कंपोनेंट ऐड होता है। बट द सिंपल बेसिक मैट्रिक्स एडिशन वाली बात है जैसे हम मैट्रिक्स को ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप ए और बी वेक्टर ऐड करें, वेक्टर ए का x कंपोनेंट रहा ये, वेक्टर बी का x कंपोनेंट भी है, तो 2 + 5 कर लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 1 एंड 2 एंड 5 दैट कम्स आउट टू बी 2 + 5 कम्स आउट टू बी 7, तो हो जाएगा 7। अब y कंपोनेंट में y कंपोनेंट ऐड करेंगे, 3 + - 3 हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो फाइनली ए प्लस बी का आंसर आ जाएगा आपके पास 7, 0। इस बात को ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस बात को ऐसे समझाता हूँ। समझिए अगर वेक्टर ए 2, 3 है, इसका मतलब ये है ना कि वेक्टर ए का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट कहता हूँ वेक्टर एक्स कॉम्पोनेंट होगा 2, वाई होगा 3, मतलब ऐसा कुछ बन रहा होगा कि उसका एक्स कॉम्पोनेंट होगा 2 यूनिट्स,
वाई कॉपीराइट और थ्री यूनिट्स दिस इज योर वेक्टर ए. सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं, इट्स नॉट मैंडेटेड टू डू लाइक दिस. अगर मैं वेक्टर बी को अब रिप्रेजेंट करूं दिस वेक्टर बी, तो वेक्टर बी की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? वेक्टर बी इज कवरिंग 5 यूनिट्स अलोंग एक्स एंड 3 यूनिट्स अलोंग वाई, और ये 3 यूनिट्स नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में होंगे. तो आप 5 यूनिट एक्स में मूव करने का मतलब ये हो गए 3, ये हो गए 5 यूनिट्स अलोंग एक्स. और अगर आप 3 यूनिट्स अलोंग वाई मूव करें तो आप ऐसे मूव करेंगे. इट मींस बनने वाला वेक्टर बी ऐसा कोई वेक्टर होगा. यस और नो? दिस इज योर वेक्टर बी. अगर आप ए में बी को एड ऑन कर रहे हैं, मतलब मैं पहले पार्ट में ए प्लस बी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंडिंग पॉइंट है बी. तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंडिंग पॉइंट. तो अगर आप ए से बी ट्रैवल करें तो बनने वाले ए प्लस बी वेक्टर असल में ये वाला वेक्टर है. और अगर आप इस वेक्टर को गौर से देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट यू आर ओनली मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, और ये एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है. तो अगर आप बॉक्स काउंट करें तो एक्स में होंगे 7 यूनिट, वाई में होंगे 0 यूनिट. तो आपने ऐसा कुछ फिगरवाइज नहीं करना होता. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको ये बात क्लियरिटी हो जाए कि अगर ए प्लस बी कर रहे हो तो ये 7 और 0 आ रहे तो क्यों आ रहे हैं. चले आगे बढ़ते हैं, एक पार्ट और सॉल्व करते हैं. पार्ट नंबर 2 में आई एम आस्किंग यू टू फाइंड 2a प्लस b, 2b प्लस a. मैं समझ से कह रहा हूं, इसका मतलब ये वेक्टर b को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर रहेगा वो a में ऐड ऑन हो जाएगा. तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइंग बाय वेक्टर b जो कि 5 और -3 है. उसमें आप a ऐड ऑन कर रहे हैं तो वेक्टर a इज 2 एंड 3. आप सिंपली 2 का जगह करेंगे 10, 10 और 2 * 3 हो जाएगा 6, 10 माइनस का 6, उसमें आपने ऐड ऑन करना 2 एंड 3. फाइनली इनको ऐड ऑन करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 12 और -4. मेरे पास स्पेस कम है तो फाइनली मैं इसका आंसर ऊपर लिख रहा हूं. इसका आंसर आ जाएगा 12 और -6 + 3 कम्स आउट टू बी माइनस का 3. दिस कम्स आउट टू बी द फाइनल आंसर ऑफ 2a + b. ओके, अच्छा भाई, नेक्स्ट आपके पास एडिशन सेक्शन में एक सब टॉपिक और पढ़ते हैं, दैट इज रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करूं तो जैसा हमने पहले डिस्कस करा था कि मैग्नीट्यूड एक्चुअली रेफर करता है लेंथ ऑफ वेक्टर, कि उस वेक्टर की लेंथ कितनी है. तो अगर आप किसी वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें, आपको पता लग जाएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल अप्रोच. आपका एक वेक्टर ए है जिसके एक्स कॉम्पोनेंट है एक्स, वाई कॉम्पोनेंट है वाई. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को सिंबॉलिकली लिखने का एक तरीका होता है. आप क्या करते हैं, स्ट्रेट बार्स में उस वेक्टर को लिख देते हैं. तो इसका मतलब ये होता है यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर. देखिए, फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर वी नॉर्मली यूज अ फार्मूला. वो फार्मूला आपके पास होता है स्क्वायर रूट. आप उसके एक्स कॉम्पोनेंट को स्क्वायर करें, वाई कॉम्पोनेंट को स्क्वायर करें और स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लें. सिंपली मींस दैट कि अगर आपके पास एक वेक्टर है जो कि है 4 -3 एंड यू आर इंटरेस्टेड, इसी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि एक वेक्टर आपके पास 4 -3 है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, आप सिंपली उस वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करेंगे और वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करेंगे. मतलब 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. द 4 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 16, -3 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9, 16 प्लस 9 कम्स आउट टू बी 25. और 20 का रूट कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आएगा 5. और इसका डेफिनेटली कोई ना कोई यूनिट होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और वो वेक्टर की लेंथ और रेडियस ही होती है. तो हियर कम्स आउट टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. अब एक बात समझते हैं, आपको दो आपके पास और वेक्टर्स दिए हैं. एक तो मैंने दिया वही वेक्टर ए और एक का वेक्टर बी. मैं दोनों ही कंडीशन में आपसे कैलकुलेट करा रहा हूँ कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें. तो डेफिनेटली अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, वो तो भी हमने कैलकुलेट करा था, दैट कम्स आउट टू बी 5 यूनिट्स. और सिमिलरली अगर आप वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, हम उसकी बात कर लें. अगेन हमें क्या करना होगा, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर एंड y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर. x कॉम्पोनेंट इज -3, y कॉम्पोनेंट इज -4. दोनों का स्क्वायर आप सॉल्व कर लेंगे, -3 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9, -4 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 16, 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, रूट कैलकुलेटर लेंगे दैट कम्स आउट टू बी 5. इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग, दोनों ही केसेस में वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर आ रहे हैं. तो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कि अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर्स आर इक्वल? यस और नो? इसका मतलब भर्गी से होता है कि वेक्टर्स आर इक्वल, क्योंकि मैं अभी पॉइंट में जा रहा हूं. जरा उस पॉइंट को गौर से देखिएगा. अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट एंड कंडीशन ऑफ वेक्टर, यस, ये पॉइंट आपके पास कहता क्या है? दिस पॉइंट सेज वेक्टर्स आर ओनली इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम. कंडीशन में तो ये नजर आ रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 5 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 5 है, लेकिन ये दोनों वेक्टर भी इक्वल नहीं है. इस बात को समझाने के लिए
मैं आपको अगेन इसकी डायग्राम ड्रा करके दिखाता हूँ। वेक्टर ए गिवन में -3 इसका भी मतलब ये होगा कि आप एक्स में तो मूव कर रहे होगे 4 यूनिट्स और वाई में मूव कर रहे होगे -3 यूनिट्स, तो ऐसे कुछ ड्रॉ हो रहा होगा आपका वेक्टर ए। दैट्स हाउ यू ड्रॉ वेक्टर ए। अगर मैं वेक्टर बी की बात करूं, वेक्टर बी आपके पास -3 -4 है, तो वेक्टर बी एक्स में तो होगा 3 यूनिट्स, वाई में होगा -4 यूनिट्स, क्योंकि आप वाई में नेगेटिव डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे हो। तो वेक्टर बी की फिगर बनेगी कुछ यूं, दिखने में वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन में, एंटायरली डिफरेंट तरह से ड्रॉ हो रहे हैं। तो सी रेफर्स दैट कि वेक्टर आर ओनली इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम। अभी के केस के अकॉर्डिंगली दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड जरूर बराबर थे, लेकिन बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट दैट्स व्हाई बोथ द वेक्टर्स आर डिफरेंट। अच्छा भाई, फाइनली हम टॉपिक नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। भाई पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, इस बात को समझने के लिए पहले हम एक बहुत ही बेसिक सी बात करते हैं। दिस इज वेक्टर नंबर 1, दिस इज योर वेक्टर नंबर 2, दिस इज योर वेक्टर नंबर 3, दिस इज योर वेक्टर नंबर 4। अगर मैं इन तीनों को, इन चारों वेक्टर्स को बाय नेम आपको बताना स्टार्ट करूं, लेट्स से वेक्टर ए फर्स्ट वेक्टर आपके पास वेक्टर ए के बराबर है, क्योंकि सेकंड वेक्टर अगर आप देखें तो वो बिल्कुल पैरेलल और सेम डायरेक्शन में है जैसा वेक्टर ए है, लेकिन ये वेक्टर ए के डबल है, तो इस वेक्टर को मैं ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए कह सकता हूं। अगर मैं सेकंड वेक्टर की बात करूं तो ये एक तरह से हाफ ऑफ वेक्टर ए होगा, और अगर मैं थर्ड वेक्टर की बात करूं तो जितना वेक्टर ए की लेंथ थी, फोर्थ वेक्टर की बात करूं तो जितनी वेक्टर ए की लेंथ थी, इसकी लेंथ एग्जैक्टली उतनी है, लेकिन ये डायरेक्शन में है ऑपोजिट, तो इसको मैं माइनस वेक्टर ए कह रहा हूँ। तो भाई बात क्या समझ आ रही है, बात सिंपली समझ में ये आ रही है कि इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑफ द पॉजिटिव नंबर, इट्स डायरेक्शन इंक्रीजेस नंबर टाइम्स, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस नंबर टाइम्स, वेयर एज डायरेक्शन रिमेंस द सेम। मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बात को मैं डाउन करता हूँ यहाँ पे। चलिए मैंने दोनों के दोनों पॉइंट डाउन कर लिया, जरा इन पॉइंट्स को रीड कर लिया। कंडीशन नंबर 1 में आपके पास क्लियरली क्या लिखा हुआ है, अगर आप कंडीशन नंबर 1 रखें, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस नंबर टाइम, और मैग्नीट्यूड जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वो लेंथ ऑफ अ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस नंबर टाइम्स वेयर एज डायरेक्शन इज द सेम। तो ये वाली बात ना, दिस इज योर वेक्टर ए जो कि फर्स्ट वेक्टर था, हमने इसको 2a कर दिया, तो मैग्नीट्यूड नंबर टाइम्स इंक्रीज हो गया, वेक्टर की लेंथ नंबर टाइम इंक्रीज हो गई, लेकिन डायरेक्शन रही सेम। और कंडीशन नंबर अगर 2 की बात करें, इफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन गॉट रिवर्स्ड, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड तो नंबर टाइम्स इंक्रीज होगा, डायरेक्शन 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगी, मतलब एंटी हो जाएगी। पहले वेक्टर अगर अपवर्ड है तो नंबर हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड है तो राइटवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड तो बैकवर्ड हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2a माइनस का वेक्टर क्या होगा, तो माइनस का 2a वेक्टर कुछ ऐसा ड्रॉ हो रहा होगा कि वो 2a के बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। व्हेनेवर अ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर्स, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस नंबर टाइम, लेकिन डायरेक्शन गॉट रिवर्स। तो ये पैरेलल वेक्टर कॉन्सेप्ट। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं, वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर मल्टीपल ऑफ वन एंड अदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को डिस्कस करते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड में। एक जनरल क्वेश्चन है आपको आइडेंटिफाई वेदर द वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में एक बात ये सीखी कि वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर मल्टीपल ऑफ वन एंड अदर, इसका सिंपली मतलब क्या है, आपके पास पेयर ऑफ वेक्टर गिवन है, दिस इज 2 एंड 3, x component 2 is, y component 3 is, x component 4, y component is 6. So is there any number by which you can multiply this first vector or second vector ताकि दोनों same हो जाए? अगर ये दोनों same हो गए, it means ये दोनों vector parallel होंगे। अगर same ना हो पाए, तो it means ये parallel नहीं होंगे। बड़ी simple सी बात है, अगर आप vector number 1 को 2 से multiply कर दें, तो ये finally बन जाएगा positive 4, positive 6, मतलब बिल्कुल वैसा जैसा है vector A। So, आपने ऐसा कुछ करके नहीं दिखाना होता, एग्जामिनर को एग्जामिनर पूछ रहा है कि मतलब पेयर ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, तो आप सिंपली इसका आंसर कर लेंगे, आपने अपने पास एज्यूम करा रफ में करके देखा कि बाय मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर बाय दिस नंबर 2, तो आपके पास ये सेकंड वेक्टर जैसा फॉर्म हो जाएगा, तो यू कैन सिंपली से दैट दे आर पैरेलल। आप सिंपली वर्डिंग में लिख देंगे कि दे आर पैरेलल, और अगर ये वैसा फॉर्म नहीं हो रहा था तो आप लिख दो यार नॉट पैरेलल। आप सिंपल सी बात ये समझें कि इट्स नॉट मैंडेटरी अ फर्स्ट वेक्टर, जो फर्स्ट वेक्टर उसी को सेकंड जैसा बनाएं। फॉर से मैं बात करता हूं, अगर कलर चेंज करके ये सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर को 1/2 से मल्टीप्लाई करते
तो ये फर्स्ट वेक्टर जैसा बनता था, तब भी आप इस बात को प्रूव कर पाते कि भाई दोनों वेक्टर पैरेलल, आपने बस दोनों वेक्टर को एक जैसा फॉर्म करना पड़ता है। चले होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं सिर्फ एक ही कंडीशन रखता हूँ, हमें बस दोनों में से किसी भी वेक्टर को एक जैसा बनाना है। अगर बोथ द वेक्टर्स बिकम्स एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर इज, तो वेक्टर्स आपके पास हाइब्रिड प्रूफ हो जाएंगे। बात करते हैं पार्टी की, दिस इज 3-1, दिस इज 6-2, सो इज देयर एनी नंबर और नंबर बाय पॉजिटिव और नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू बाय व्हिच यू कैन मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट वेक्टर टू गेट द सेकंड वन? तो ऑब्वियसली अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम 6, दिस बिकम्स -2, और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे फर्स्ट वेक्टर है। तो मैं कह सकता हूं यस दे आर पैरेलल, तो आपके पास पार्ट 2 भी पैरेलल है। व्हाट अबाउट पार्ट नंबर सी? दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज योर सेकंड वेक्टर। तो अब मुझे नजर आ रहा है कि भाई फर्स्ट वेक्टर तो एक तरह से नंबर वाइज ग्रेटर है as compared to second one, तो it means कि इस दफा की कंडीशन में अगर सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो फर्स्ट जैसा फॉर्म हो जाएगा। देखिए मसला है, साइन की भी वेरिएशन है। अगर आप -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू तो आपके पास बन रही होगी नेगेटिव का 4 और पॉजिटिव का 2, लेकिन फर्स्ट वेक्टर तो हमारा पॉजिटिव 4 और -2। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉजिटिव का 4 और -2 बन जाएगा। इसका मतलब अब जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई उनको सी बना रहे हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो नाउ यू कैन सी से दैट कि हाँ दे आर पैरेलल। व्हाट अबाउट पार्ट डी? अब आप बताइए कि फर्स्ट और सेकंड वेक्टर में से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पार्ट डी में अगर ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर डेफिनेटली उससे ग्रेटर लग रहा है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 6, और 2 और वो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ये बन जाएगा 2। अब मसला ये है कि ये तो 6-2 है, अब 6-2 बनाने के लिए इज इट पॉसिबल कि अगर आप 2 की जगह रादर देन +2 -2 करके देखें, अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -6-2 होगा। मतलब नंबर्स तो सेम बन रहे हैं लेकिन किसी एक कंडीशन में साइन की वेरिएशन आ रही है, एक ही कंडीशन में साइन की वेरिएशन आए तो वेक्टर नहीं होते। वेक्टर आर ओनली पैरेलल इफ ऑन मल्टीप्लाइंग वो दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दे आर नॉट पैरेलल। Is that fine? अब देखें, आपके पास एक थर्ड तरह की कंडीशन होती है जो पैरेलल वेक्टर्स का केस होता है। अब वो कंडीशन क्या? जनरल गिव्स द कंडीशन गिवन दैट द वेक्टर्स गिवन दैट द वेक्टर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन m। अननोन आपके पास कोई भी वेरिएबल गिवन होता है और हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इस कंडीशन में आप क्या करते हैं? एग्जामिनर कंडीशन में ये नहीं पूछ रहे वेक्टर पैरेलल है कि नहीं, एग्जामिनर बता रहे कि वेक्टर्स पैरेलल हैं, यू फाइंड अननोन। देखिए इस कंडीशन में हमने करना क्या होता है, आपके पास ये कितना 2 एंड दिस इज 3, दिस इज n, दिस इज 6। अब इनमें कोई भी एक चीज जो कि आपके पास दोनों नंबर, कोई भी एक नंबर जो दोनों ही वेक्टर में गिवन है, या तो x कंपोनेंट होगा या y कंपोनेंट होगा जो दोनों में गिवन होगा, तो अभी कंडीशन में y कंपोनेंट इज गिवन इन बोथ द वेक्टर्स, सो दिस इज 3, दिस इज 6। अब इससे आप आइडिया लगाएंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट नंबर टू गेट 6, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा 2। तो इसका मतलब अगर आप फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है, फर्स्ट वाले वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एग्जैक्टली सेकंड वेक्टर जैसा बन जाएगा। तो 2 इंटू 2 कम्स अप टू बी 4 और 3 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 6। तो फर्स्ट वेक्टर अभी सेकंड वेक्टर जैसा बन चुका है, हमें कैसे पता? बिकॉज उनके वाई कॉम्पोनेंट सेम हो गए ना, 6 और 6। तो ऑब्वियसली अगर आप कंपेरिजन मैथड यूज कर लें तो बाय कंपेरिजन मैथड आप ये वाली बात कह सकते हैं कि एम की वैल्यू 4 ही होगी। तो दैट्स हाउ यू डू। इसको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिस अप्रोच से आपको इजी लगे आप पकड़ लें, मैं आपको वो अप्रोच बताता हूँ जो नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी में दोबारा ज्यादा समझते हैं। पार्ट नंबर बी में आपके पास मुझे वेक्टर 1 और वेक्टर 2 का एक्स कंपोनेंट पता है, तो आपके केस में मैं क्या करूंगा? मैं आइडिया लगाऊंगा मल्टीप्लाई व्हाट नंबर गेट -12, तो ऑब्वियसली वो होगा -3, 4 × -3 गिव्स यू -12। तो आप वेक्टर नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 4 × -3 कम्स आउट टू बी -12, m -3 कम्स आउट टू बी -3m। अब देखें मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, मैं सिर्फ x कंपोनेंट को सेम कर रहा हूं ताकि फिर क्या करूं, मैं इक्वेट करके बाकी अननोन को कैलकुलेट कर लूंगा। आपके केस में आपके पास -3m की वैल्यू 6 के बराबर आ रही है, तो आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि -3m असल में बराबर होगा 6 के, तो m की वैल्यू हो जाएगी 6 / -3, m comes out to be -2, और ये -2 अगर आप यहाँ पे रख के भी देखें तो -2 × -3 क्या होगा? पॉजिटिव 6 ही होगा जो वेक्टर नंबर b में आ रहा है। थर्ड कंडीशन ये होती है जब कोई प्रूफ मिल नहीं रहा होता, जैसे पार्ट नंबर c।
और मशीन में आपके पास वेक्टर है एम और वो रिलेट हुआ है आपके पास माइनस टू से, और आपके पास वाई कॉम्पोनेंट है दिस इज थ्री एंड फाइव. अब मसला ये कि जो आपके पास नंबर्स दोनों में गिवन है वो है वाई कॉम्पोनेंट, लेकिन वाई कॉम्पोनेंट किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे सेम नहीं हो रहा है. अगर मैं जनरली बात करूँ थ्री मल्टीप्लाई वन नंबर टू गेट फाइव, तो आपका आंसर ये होगा कि भाई थ्री मल्टीप्लाई का वन पॉइंट समथिंग से मतलब 1.6, 1.7 से तब भाई फाइव का होगा, बिकॉज थ्री इंटू सिक्स होता है, थ्री इंटू वन थ्री होता है. तो ऐसी कंडीशन में आप क्या रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन में आप कोई भी थर्ड नंबर फाइंड आउट कर रहे होते हैं और उससे दोनों वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके सेम कर रहे होते हैं. जैसे अगर मैं ये वाली बात करूँ, इसका वाई कॉम्पोनेंट है थ्री, इसका वाई कॉम्पोनेंट है फाइव. What if अगर वेक्टर नंबर वन को, this is your vector one, that's your vector two, vector one को मैं मल्टीप्लाई कर दूं फाइव से, वेक्टर टू को मल्टीप्लाई कर दूं मैं थ्री से, तो मल्टीप्लीकेशन पे ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास फाइव टाइम्स ऑफ एम. थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 15, और सेम वे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव 6, दैट कम्स आउट टू बी 15. मतलब कर क्या है, दोनों वेक्टर के किसी भी एक कॉम्पोनेंट जो गिवन है उसको सेम बना रहा है, सेम बना गए, इसका मतलब दोनों वेक्टर अब इक्वल हो गए, और अगर इक्वल हो जाएं तो डेफिनेटली आप कंपैरिजन मेथड यूज कर सकते हैं. नाउ इफ यू यूज कंपैरिजन मेथड, तो कंपैरिजन मेथड में इसका x कंपोनेंट है माइनस सिक्स, इसका कंपोनेंट है 5m, तो 5m इज गोइंग टू इक्वेट विद नेगेटिव 6, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 5, दैट कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ m. इजी वन. सो भाई तो दैट्स ऑल अबाउट द बेस लेक्चर. इसी के एसोसिएटेड पास्ट पेपर क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, होपफुली सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे. मैं एक सुपर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूं. ओके मूव ऑन. अब हम एक ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जामिनर आपके पास कंडीशन दे रहा है, एग्जामिनर आपके पास कंडीशन दे रहा है, मैं आपके पास, ओके एग्जामिनर आपके पास कंडीशन, अगर आप पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी देखें, एग्जामिनर कंडीशन दे रहा है गिवन दैट वेक्टर p is parallel to r, find m. पहले पार्ट में आपके पास वो मैग्नीट्यूड ऑफ q कैलकुलेट करा रहे पार्ट ए में, पार्ट बी में कह रहे 2b minus q कैलकुलेट, ऑब्वियसली ऐसा हमने देखा गया कि किस तरह प्लस और माइनस कर देते हैं बहुत सिंपल पार्ट से इजीली हो जाएंगे. अब फाइनली पार्ट नंबर सी की बात करते हैं, एग्जामिनर कह रहा है p is parallel to r, find m, मतलब वेक्टर p और वेक्टर r पैरेलल है. अगर पैरेलल है तो मैं वेक्टर p यहां पे लिख देता हूं. अगर वेक्टर p की बात करें तो फर्स्ट वन गिवन वेक्टर आपके पास वेक्टर p है. अगर वेक्टर की बात करें तो फर्स्ट वेक्टर p, उसकी वैल्यू गिवन है 1 माइनस का 4, और वेक्टर r की वैल्यू है m एंड 2. हमने अननोन m को कैलकुलेट करना है. अब अननोन m को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि दिस इज नेगेटिव 4, दिस इज 2. अब हमें सेम करना होता है, अगर सेम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये ना कि आप सेकेंड वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो वेक्टर बन जाएगा 2m, बन जाएगा 4. लेकिन मसला है कि इसके y कंपोनेंट की वैल्यू तो माइनस 4 है, तो डेफिनेटली आपको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आप किसी भी एक कंपोनेंट को सेम बना रहे होते हैं जो कंपोनेंट आपके पास गिवन होता है, तो y कंपोनेंट बाय द वे गिवन है, तो आप y कंपोनेंट को सेम बनाएंगे. सेम बनाने पे -4 -4 अगर y कंपोनेंट इनके सेम है तो आप फाइनली x कंपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं. 1 बराबर हो जाएगा माइनस के 2m के, तो ऑन सिंपलीफिकेशन m की वैल्यू आ जाएगी m कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 2. तो दैट्स हाउ यू सॉल्व, यू डू एडिशन, सबट्रैक्शन और कंपैरिजन और सॉल्व पैरेलल वेक्टर्स. तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, न्यू सब टॉपिक्स ऑफ वेक्टर्स. ओके, थैंक यू.